गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हो? बढ़िया। सबने चक्की बड़ी वाली पोयम अच्छे से गाई और सबने अच्छे से लर्न भी कर ली होगी, तो यूनिट टेस्ट के लिए भी लर्न करनी है और आपने अपनी नोटबुक में भी लिख ली होगी। ओके, तो अब हम करेंगे चक्की बेन वाला जो सारा तत्परता भे वार्ता आनंदी कागड़ो। तो आनंदी कागड़ो उसके अंदर पार्ट टू है जो वो हम आज करेंगे। तो चलो सब लोग टेक्स्ट बुक निकालो मेरे साथ और सब अपने टेक्स्ट बुक निकाल के वीडियो देखो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और रीडिंग भी समझ में आए, ठीक है? चलो अब हम करेंगे रीडिंग। सबने टेक्स्ट बुक निकाली तो सब अपनी उंगली रख के मेरे साथ रीडिंग करो। वार्ता आनंदी कागड़ो। आनंदी कागड़ो, आनंदी मतलब खुश, एकदम खुश था वो कागड़ो कौवा। तो ये कौवा है और ये सिपाही, ये राजा यहाँ पर। तो ये राजा यहाँ पर सब देख रहे हो, उसके ऊपर उंगली चीप के उसको दिखा रहा है। तो आगे हम रीडिंग करें। एक कागड़ो हो तो तेना पर एक बार राजा गुस्से थया, एटले राजाए तेना मानसो ने कह्यू, जाओ आ कागड़ा ने घामना कुवाना काठे गारो छे तेमा खुताड़ी ने मारी नाखो। सबको समझ में आया है रीडिंग? अच्छे से सब रीडिंग करना। तो एक कागड़ो हो तो, एक कागड़ो एक कौवा था, तेना पर एक बार राजा गुस्से थया, राजा उसके ऊपर बहुत गुस्से हो गए कि अब वो इतना गुस्सा था कि अब उसके ऊपर उसको सजा देने लगे। अब उसको क्या सजा दे रहे थे? तो राजा गुस्से थया, इसलिए राजा है तेना मानसो ने कही, जा आ कागड़ा ने गामना कुवाना काठे गारो छे तेमा खुताड़ी ने मारी नाखो। गामना कुवाना काठे, जहाँ गांव होता है वहां पर एक होल बना हुआ है, जो कुआ बना हुआ है उसके अंदर उसको जहां पर खुताड़ी ने गारा मा कुवाना काठे, तो वहां पर कुआ जो बना हुआ है और वो गारो मतलब कि कीचड़, जो कीचड़ बना हुआ है वहां पर जहां पर पानी सब कुएं से निकाल रहे हैं और वही पानी अगर गिर जाए तो वहां पर कीचड़ बन जाता है, तो वो कीचड़ वहां बना हुआ है वहां पर कुवारे काठे गारो छे ए मां खुताड़ी ने मारी नाखो। खुताड़ी ने मतलब उसको अंदर दबा के मारना, ऐसा इतना गुस्से हो गया राजा। काबड़ा राजा जी ना हुकुम प्रमाणे गारा मां नाखवा मां आव्यो, काबड़ा भाई तो गारा मां खुदाता खुदाता आनंद जी बोलवा लाग्या। काबड़ा ने राजा जी ना हुकुम प्रमाणे, काबड़ा ने राजा जी ना हुकुम प्रमाणे मतलब कि राजा के हुकुम के अनुसार गारा मां नाखवा मां आव्यो, वो कीचड़ में गारा में मतलब कीचड़ में उसको डाल दिया। कागड़ा भाई तो गारा मां खुदाता खुदाता आनंद थी बोलवा लाग्या, खुदाता खुदाता उसके अंदर जाके एकदम से कूद के और अचल कूद करके और वो बोलने लगे। क्या बोलने लगा? देखो, लपसणु करता सीखिए छिए भाई, लपसणु करता सीखिए छिए। लपसणु मतलब स्लाइडिंग, जो कीचड़ होता है ना तो उसके अंदर से ऐसे चलते तो पूरा स्लाइड हो जाते। अगर कीचड़ में गरम पैर रखेंगे, कीचड़ में हम पैर रखेंगे, अब कीचड़ में अगर हमारा पैर फिसल गया तो वो पूरा स्लाइड हो जाएंगे और पूरा फिसल जाएंगे। तो लपसणु करता सीखिए छिए भाई, लपसणु करता सीखिए छिए। लपसणु मतलब कि उसको स्लाइड ऐसे कर रहा है और मैं ऐसे सीख रहा हूँ, ऐसे करके बहुत खुश है वो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना मतलब कि उसने राजा ने इतनी सजा दी और वो उसके अंदर गिर रहा है
और उसको मार रहा है तो भी कोई दुखी नहीं, सिर्फ खुशी हो रहा है। राजा अपने मार्सो तो दवाई पा गया कि आ कागड़ो गारा मां चुकवा की दुखी जवान ने बदले आनंद जी के बोले छे। राजा ने मार्सो ने दवाई पा गया। राजा अपने मार्सो मतलब राजा और सारे जो इंसान थे वो सब जो जितने भी थे वो सब ऐसे नवाए उसको ऐसे आश्चर्यचकित ऐसे देख रहे हैं उसको कि ये क्या है। उसको कुछ दुख नहीं है, उसको कोई फीलिंग नहीं है। आप आगरो बारा मां मुतवा की दुखी थवाने बदले आनंद जी के बोले छे। दुखी थवाने वो खुद दुखी होने के बदले खुशी होके क्यों बोल रहा है। राजा ने गुस्सो चढ़े मैंने बीजो हुकुम करे नाखो एने कुआ एटले डूबी ने मरी जाए। उसको कुएं के अंदर डाल दो ताकि वो दुखी होकर वो मर जाए। तो सब लोग इतना गुस्से था क्योंकि वो हंसी रहा था और वो हमेशा जो भी करता है उसमें खुशी रहता है। तो उसको सब बोल के ऐसे हुक्म करे राजा है गुस्सा चढ़े मतलब कि बहुत गुस्सा चढ़ गया क्योंकि वो खुश होता जा रहा है राजा को गुस्सा चढ़ता है। अरे बीजो हुक्म करे दूसरी बार हुक्म करा और बोला कि नाखो एक एक कुआं मां एकले डूबी ने मरी जाए। कागड़ा ने कुआं मां नाख्यो कागड़ा भाई तो कुआं मां तरता तरता बोले थे। फिर उसको कुएं के अंदर डाला देख रहे हो आप इधर कुएं के अंदर डाला और फिर वो क्या बोलता है तू कुआं मां ए डूबी ने मरी जाए कुआं मां ना क्यों कागड़ा है तो कुआं मां तरता तरता बोले छे। कुआं मां तरता सीखिए छे भाई कुआं मां तरता सीखिए छे मैं तो तैरना सीख रही हूं सीख रहा हूं इसमें तुम्हें मजा कर रहा हूं ऐसे करके वो कौवा बोल रहा है और अच्छे से एंजॉय कर रहा है उसको कोई दुख नहीं है। राजा ने बोला उसके अंदर डाल के उसको मार दो तो भी वो कोई दुखी नहीं है। उसके अंदर जाकर भी वो अपने पंख फैला के उसके अंदर तैरना सीख रहा है। राजा हमें बदारे गुस्से थया एक कहे हमें कागड़ा ने आखिरी शिक्षा करो। हमें राजा और भी गुस्सा हो गया उसको बोला क्या उसको और कड़ी सजा की जाए ताकि वो गुस्से से बहुत काँप रहे थे और कड़ी सजा की जाए इसके लिए राजा ने बोला। पछी कागड़ा भाई ने काटाना एक मोटा झाड़ में नाखाव्या तो कागड़ा भाई तो एना एज आनंदी काटा में आनंद थी गावा लाग्या। राजा हवे वधारे गुस्से थया ए कहे हवे कागड़ा ने आखरी शिक्षा करो उसको शिक्षा मतलब और भी कड़क सजा दी जाए इतनी कड़क सजा दी जाए ताकि वो दुखी हो। पछी कागड़ा भाई ने काटाना एक मोटा झाड़ा मां नखाव्या तो ए कागड़ा भाई तो एना एज पछी एने काटा कर झाड़ा मां जो काटे जो चुभने वाले कांटे आते हैं उसके अंदर वो पूरी जाली बनी हुई है कांटे की उसके अंदर उसको डाल दिया ताकि वो मर जाए और उसको चुभे तो वो दुखी हो। ऐसा करके राजा ने ऐसा हुक्म किया फिर भी वो इसके एजोय आनंदी कांटा मां आनंदी गावा लागा वो आनंद होके खुश होकर गाने लगा। वो क्या गा रहा है देखो कूड़ा कान विंधा दिए छे भाई कूड़ा कान विंधा दिए छे कूड़ा कान विंधा दिए छे। जब हम कान में सबसे पहले इयररिंग्स डालते हैं तब उसको अंदर इतना छेद करने के बाद ही हम कोई इयररिंग्स पहन सकते हैं। तो वो पहनने के लिए वो छेद करना बहुत जरूरी है तो इसीलिए इससे बोला कूड़ा कान विंधा दिए छे। जब छोटे बच्चों को जब कान में छेद किया जाता है तब वो बहुत सॉफ्ट होता है और वो सॉफ्ट होता है और उसमें सुई डाल के उसको छेद करने के बाद ही उसके अंदर हम कोई इयररिंग्स पहना सकते हैं। तो इसीलिए कूड़ा कान बिंदा दिए छे भाई कूड़ा कान बिंदा दिए छे ऐसे करके बोल रहा है और खुश हो रहा है
कि मैं ये काम कर रहा हूँ और पूरा काम बिता रही थी। ऐसे करके वो खुश भी हो रहा है। राजा कहे कावड़ा तो भारे जब गमे ते दुख माए दुखी नहीं था तो चलो हमें ये भी जगिया है रखी है कि ये दुखी दुखी थी जाए। पची कावड़ा भाई ने है तेली कोठी मां नाख्या तो ही कावड़ा भाई तो खुश ना खुश तो भी कावड़ा भाई खुश ना खुश। देखो कि राजा कहे कि कावड़ा ने उसको कांटे की जाल में भी डाला तो भी वो खुश है। उसको कुएं के अंदर पानी भरा हुआ है उसके अंदर भी डुबाया तो भी खुश है। और उसको कीचड़ में भी डाला तो भी खुश है। अब वो इतना खुश होके क्या करे। देखो तेल काटे अब राजा कहे कावड़ो तो भारी जबड़ो गमे थे दुखमाए दुखी नदी तक चलो हमें एवी जगह नाखी है कि ए दुखी दुखी थी जाए। अने पछी कावड़ा भाई ने एक तेल की कोठी में नाख्या तो ए कावड़ा भाई तो खुश ना खुश। हमें इन्हें एक तेल की कोठी के अंदर नाखवा मारी जाए। तेल से भरा हुआ जो डब्बा या डब्बा बोलते पूरी इतनी टंकी बोलते वो टंकी के अंदर उसको डालने के लिए बोला। राजा ने हुक्म कर दिया कि चलो उसके अंदर डालो और उसको मार दो। अब वो पाने के लिए तेल की कोठी में नाख्या तो ही कावड़ा भाई तो खुश ना खुश। वही हाल है उसका बस हमेशा खुश ही रहता है। तेल काने मुकिए चाहिए भाई तेल काने मुकिए चाहिए बस खुश होकर वही बोल रहा है कि तेल कान में मुकिए चाहिए। जब कानों में दर्द होता है तब दादी अम्मा हमारे सरसों का तेल गर्म करके और वो दो बूंद उसके अंदर डाल के और अच्छे से हिलाते हैं तो वो कान का दर्द खत्म हो जाता है हम ऐसा बोलते हैं। तो वैसे ही तेल काने मुकिए चाहिए भाई तेल काने मुकिए चाहिए ऐसा करके मतलब तेल में कानों में डाल रहा हूँ ऐसे करके वो खुश होकर बहुत मजे कर रहा है। तो आपने यहाँ तक देखा कि वो पहले देखा कि वो क्या कर रहा है। राजा ने उसको कीचड़ में डालने के लिए बोला फिर उसने बोला कुएं के अंदर डालने के लिए बोला फिर आगे उसने बोला कि कांटों की जाड़ों में उसको डाला और फिर आगे तेल के जो टंकी थी उसके अंदर डालने के लिए बोला फिर भी वो खुश ना खुश रहता था। तो ये आनंदी कावड़ो आनंदी मतलब खुश होकर वो कौवा हमेशा खुश ही रहता है। तो आपने देखा हमने पार्ट वन में ये आनंदी कावड़ो हाफ चैप्टर किया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि वही कंटिन्यू करके हम नेक्स्ट पार्ट में कैसे करना है आप देखेंगे। ठीक है ओके थैंक यू हैव अ नाइस डे।